मैं इनकी सबसे बड़ी भतीजी हूँ, इसने खुद ही बता दिया कि मैं सबसे बड़ी भतीजी हूँ, और इनकी सबसे बड़ी नातनी, और ये मेरी सबसे बड़ी नातनी, और इसकी इतनी यंग सी नानी, मॉडर्न नानी, मॉडर्न नानी, ब्यूटीफुल। ये सब मजाक था, डोंट टेक इट सीरियसली। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हम लोग जा रहे हैं नवरात्रि में अपने गांव। तो आज का सफर रहेगा हमारा हमारे घर से हमारे गांव तक के मंदिर का, तो आप सब मेरे साथ बने रहिए, तो आपको मैं दिखाऊंगी हमारे गांव के मंदिर। और हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, और आप देख सकते हो दक्षित की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि उसे गाड़ी में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाड़ी से उतर गए हैं हम लोग, अब चलते हैं हम लोग नीचे, और ये हम लोग गाड़ी से उतर गए हैं, और यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता जो है पैदल है। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा जब हम एक बार गांव आए थे शिवपुराण थी गांव पे ना चाची, वही वाला रास्ता है, अब तो थोड़ा बहुत पेड़ काट दिए। हेलो गाइस कर दो, कितना क्यूट लग रहा है, सबको कर दो। चाची ने मेरी स्लीपर पहन ली, चेंज कर ली क्योंकि चाची की मैंने पहन ली, चाची कह रही थी कि मैं स्लिप हो रही हूँ तो मैंने कहा मेरी पहन लो। तो यार ये स्लिप होने जैसा आ रहा ना, मेरा बेटा और मैं कहीं गिर गए तो। अच्छा, और मैं गिर गई तो मुझे पता है ना, दिव्यांशी। ये देखो दक्षित कैसे आ रहे है घर के तरह, इसको यहाँ भी दौड़ने की हो रही है, बोल रहा पैदल चलूंगा, और मुझे डर लग रही है कि कहीं खुद तो गिरेगा गिरेगा, मम्मा बेटू दोनों गिर जाएंगे। दक्षु आराम से। और ये जगह आपको याद होगी जिसने मेरा फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग देखा होगा, क्योंकि मैंने यहीं से स्टार्टिंग करी थी। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं शिव जी के मंदिर में, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। अरे यार हाई स्कूल में मेरे साथ था ना, नमस्ते धरणीधरा, नमस्ते दत्तानां शिवहरुद्रचंद्रमौलेशंगणेशंबारवतीशमुदीमोदानी भूमरेखानां अवेजातानुरागनां अवेवसर्वं अवरारोहं तस्य ॐ शां सदा श्री गणेश महाराजीयो नमो नमः।
नंदन द्वारा संरोक्ष्या नंदन द्वारा समर्पयामि अक्षतां नमामेवः अक्षताय समयादेवः देवी सर्वाभाते भवे जन्म जन्मनि आभूषाते दिव्यम् आभूषाते दिव्यम् शिव जी के मंदिर में हो गई है पूजा। अब हम जाएंगे दूसरे मंदिर में। ये देखो मैंने पकड़ा है बैग और दक्कू है अपनी ताई की गोद में और धूप हो रही है बहुत तेज और मंदिर सारे हैं दूर दूर। चलो लेकिन हम पहुंच गए, हम पहुंच जाएंगे ना। ओके बोलो, हाँ बोलो। देखो कितनी सांस फूल रही है हमारी। और इधर है चाची और मम्मी लोग, चाची कर रही है सबको हाय, हैप्पी नवरात्रि बोलो। हैप्पी नवरात्रि। तो गर्मी तो थक के बैठ चुका है। हाँ इससे अच्छा तो मेरा दक्षुत है, ये देखो चल रहा है भाई। अब ये भी बैठ गया भाई, ये भी बैठ गया। थक गए होंगे नहीं वाले हैं माता के मंदिर में। मैं यहाँ पहुंची हूँ, मम्मी लोग पीछे हैं, दक्षित उधर है अपनी ताई के साथ, गर्व लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ से भर रहे हैं चाचू पानी। बाबरी चाचू डर नहीं लग रही क्या? चाचू यहाँ से भरते हैं क्या पानी? चाचू आराम से निकाल लो, मेरे को तो डर लग रही है। चाचू बाबरी ये देखो कितना खतरनाक है पानी निकालने का, और चाचू तो डर भी नहीं रहे मेरे को। कहाँ पकड़ा? ये देखो ना चाचू, ए भाभी दक्षु का हाथ पकड़ा। मुड़े कितने सारे कीड़े भी होंगे इसमें। नल है वहाँ और सक्सेसफुल हो गए चाचू पानी भरने में। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं माता के मंदिर में। ये देखिए आप कितना सुंदर, सामने पहाड़, इतनी सारी हरियाली है। ये देखो कितने हरे 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 सारे, कितना ग्रीन हो रहा है पेड़ ये। और नीचे ये है हमारा गांव, घर तो आप लोगों ने मेरा देखा होगा। ये है हमारा गांव और देखिए हमारे गांव के इतने सुंदर सुंदर खेत। ये हमारा घर बीच में, और ये यहाँ पे बीच में ये जो है ये है हमारा घर। अभी आपको घर भी दिखाऊंगी, अभी घर भी जा रही हूँ मैं। और अब करते हैं पूजा पाठ, मम्मी लोग पहुँच गए हैं। अभी इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है और देख सकते हो आप कितनी हवा चल रही है। और मेरा दक्कू हाय कर दो, हेलो गाइस कर दो। दक्कू का हो चुका है मूड खराब मेरे बच्चे का। हाँ मेरा बच्चा आ जाओ, आले 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 आले। दक्कू का हो चुका है मूड खराब। और वाव यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा है ना, इतनी ठंडी हवा। एक तो हम लोग धूप में चल के आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। तो पीछे पेड़ कितना हिल रहा है, आप इससे आइडिया लगा सकते हो कितनी अच्छी हवा चल रही है। मुझे दिख रहा था मैं देखो तो कैसे तो एक पहाड़ी चिड़िया ने अपना घोंसला कैसे बनाया मिट्टी से, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ, उसने कैसे मिट्टी से अपना घर बनाया। और इधर से उसका मम्मी बोल रही है गौताल गौताल का है। ये चाची दौड़ रही है दक्षित को घर अकेले ले गया, वो भी ऐसे जंगल में। अच्छा चलो बुबू है, गिर गया वो। मुझे पक्का पता था गिराएगा, पक्का गिराएगा। अभी हम थोड़ा सा और बचा है, ये दक्षु मम्मी के साथ आ रहा है, बहुत ही शैतानी कर रहा है। तो ऐसे दौड़ दे रहे ना, नहीं तो कि ताई के साथ नहीं कर रहा है ना, ताई के साथ अच्छी से जा रहे है। दक्षु भी थक गया ना दक्षु। कितने सुंदर सुंदर जंगल है,
चाची सबसे ऊपर थक थक के जा रही है। थक गए चाची? थोड़ा थोड़ा थकी गई हूँ, बोलो थोड़ा थोड़ा क्या। यहाँ पे हाथ पांव धो रहे हैं, पियो पियो। अच्छा पीते भी हैं चाची यहाँ से? ये था लास्ट मंदिर गंगनाथ जी का जो हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं घर। और आपको मैं दिखाती हूँ अपने गांव का घर। और ये दक्षु है ना, अभी तक तो परेशान नहीं करा, लेकिन अब कर ला है ना बच्चा, अब कर ला। हेलो गाइस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो मेरा बच्चा। और अभी पहुंच गए हम लोग अपने घर। क्या सुखाने को डाल रखा मम्मी? आ गई। हाँ ओ, ये है मेरी नातनी। आपने देखी है क्या, इतनी इतनी जवान नानी। इसकी नानी हो और ये मेरी नातनी है ना बाबा। और इसका नाम है दक्षिता। दक्षिता है ना, क्या आपका नाम बता दो। और ये दक्षु इसका मामा, सबसे छोटा मामा। मामा है, मामा और भांजी एक ही जैसे, एक ही नाम राशि के। शर्मा रहा है वो तो, रुक पड़ता। चलो प्याल करो, करो किच्छे करो। अल्ले मामू की भांजी। परेशान नहीं हो बाबा, मुझे पता अलग है यार। अब मेरी लड़की के नाक में वो भी हो गया है। देखो मम्मा ने केयर नहीं करी, इसको मायके में लेके आई है इसकी मम्मी। और लड़की को चोटी चोटी के लगा दी, इसको चोटी चोटी लगा दी बुड्ढी को, बुड्ढी को चोटी चोटी लगा दी बुड्ढू को, है ना, है ना। पापा से शिकायत कर देना मम्मा की, है। इसको इसलिए नहीं ला रहे, इसको नजर लग जाएगी बोल रहे। बड़े हमा बड़े हमा है, मैं देखा सब मेरे को बोल रहे हैं। ये क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं चाची। सेम यही हुई इसको। अच्छा ऐसी थी तनु, बदली रहता था। इधर अब नहीं रहेगी, अब नहीं रहेगी क्योंकि उसने बहुत देख लिया ना। वो क्या लाए? देख रही है भाई, टॉफी देख रही है। आप गौर से देखो, ये खाली 5 मिनट आए यहाँ पे बैठने के लिए, अब इनकी गाड़ी आ गई है तो ये जा रहे हैं। और अब इनकी गाड़ी को भेज रहे हैं ये लोग, आज यहीं रहेंगे। इस चेहरे को ज्यादा गौर से देखो आप, इस चेहरे को, इस चेहरे को ज्यादा गौर से देखो आप। और पी लिए हमने चाय, बच्चों ने खा लिया खाना, जिसको मट्ठा पीना था उसने खा लिया मट्ठा। तो जा रहे हैं हो रहा है अभी तनु को चिंता हो रही है। बाकी जिठानियों से तो आप लोग मिल गए होंगे। ये है मेरी घर की जिठानी बड़ी वाली, और ये बड़ी घर की जिठानी, और ये मैं इनकी सबसे बड़ी भतीजी हूँ। इसने खुद ही बता दिया कि मैं सबसे बड़ी भतीजी हूँ। और इनकी सबसे बड़ी नातनी, और ये मेरी सबसे बड़ी नातनी, और इसकी इतनी यंग सी नानी, मॉडर्न नानी, मॉडर्न नानी, ब्यूटीफुल। ये सब मजाक था, डोंट टेक इट सीरियसली। और यहाँ देखो, ये है घर की मसूर की दाल सुखाने के लिए, फिर बाद में इसको दीदी लोग छूटेंगे। और जो छूटने के लिए चाची आएगी मार्केट से। बिल्कुल और बिल्कुल उसका ब्लॉग में डाल दिए। बिल्कुल बिल्कुल बाय 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 काला का बच्चे ठीक। और हो चुकी है हमारी वापसी। दगू
हम किस में जा रहे हैं? खुश है आज। ये देखो दक्षित को आ चुकी है नींद और गवि तो कर रहा है एक्टिंग और सागरिका भी है आगे दादू के पास। उठ गए आप? मैं तो सोच रही थी सो रहे हो। गांव से पहुंच गए हैं हम लोग घर। आई होप आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखिए दक्षित ने इधर टेबल खिसका के क्या कर रहा है। चलो बाय कर दो, अच्छे से करो, इधर देख के करो।